डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है सर, आप फोन करने के लिए आए हैं, हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पे आए हैं विधानसभा में, और क्या कुछ वजह है? से बिहार में शराबबंदी है पिछले 6 वर्षों से, उसके बावजूद बिहार में शराब का अवैध कारोबार सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, और उसके लिए शराब को खोज करने के लिए बिहार सरकार हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहा है, जहां एक तरफ एसटीटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं कि बिहार के युवा जब रोजगार मांगते हैं तो नीतीश कुमार जी उस पर लाठीचार्ज करते हैं। ये हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, हेलीकॉप्टर से शराब खोजा करने के लिए पैसा है इनके पास, और बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं है। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि पिछले 17 वर्षों से बिहार में नीतीश हो गया था। एक मिनट ये अभी मत आइएगा, अरे करोगे तो कैसे बनेगा। डबल इंजन के सरकार में डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर शराब का खोज करने के लिए आया है, जहाँ एक तरफ युवा अपना रोजी रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। दुर्भाग्य इस बिहार का, पिछले 17 वर्षों से नीतीश जी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, आप भी डबल इंजन के हेलीकॉप्टर से शराब खोजा जा रहा है। पिछले 6 वर्षों से शराबबंदी वाले बिहार में शराब का खोज होना आखिर कहाँ से ये संभव हो रहा है? तो ये हेलीकॉप्टर अब शराब खोजेगा? यहाँ का पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? पुलिस प्रशासन जो है दारू और बालू में लगा हुआ है, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चौपट हो चुका है। एसटीटी वाले जब अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोगों पर लाठीचार्ज होता है जब अपना हक मांगते हैं। आपको